हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी स्टाइल का लाल पनीर। इसके लिए आपको चाहिए दही, साथ में आपको चाहिए अनियन और गार्लिक का पेस्ट, और चाहिए पनीर। पनीर के स्लाइसेस थोड़े बड़े वाले साइज़ के रखिए, लगभग 2 इंच बाय 2 इंच के साइज़ के। चलते हैं पहले स्टेप पर, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। स्टार्ट करेंगे हम डीप फ्राई करके पनीर के पीसेस को। तेल ले लेंगे थोड़ा सा, जब वो अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसके अंदर एक एक करके बहुत केयरफुली पनीर के पीसेस डालेंगे। ये पीसेस जो हैं ये इतनी जल्दी फ्राई नहीं होंगे, इनको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, और तेल जो है इस टाइम चटकारे भी मार सकता है क्योंकि पनीर के अंदर वाटर कंटेंट भी होता है। तो केयरफुल रहिए, छींटे आप पे तेल के ना पड़ें, और अगर आपने कभी पहले फ्राई नहीं किया तो किसी की सपोर्ट लेके कीजिए। आफ्टर 10 मिनट्स पनीर के ऊपर कलर जो है आपको दिखना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसको हिलाते रहिएगा स्टार्टिंग में ताकि ये कहीं चिपके ना, और एक बार जब पनीर अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो ये ऐसे तैरना शुरू हो जाएगा तेल के ऊपर, और गोल्डन ब्राउन होने पे पनीर के पीसेस को हम निकाल लेंगे। बाकी पनीर के पीसेस कर दी हमने, यही स्टेप रिपीट करना है, और जब ये हो जाए तो हम चलेंगे अगले स्टेप पे जो कि है दही। दही के अंदर हम डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, और साथ में 2 टेबलस्पून सौंफ पाउडर, आधा टीस्पून हम डालेंगे दालचीनी पाउडर, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दही के साथ। इसको भी हम साइड पे रखेंगे और चलेंगे अगले स्टेप पे। एक कढ़ाई ले लीजिए, उसके अंदर हम तेल डाल देंगे थोड़ा सा, साथ में उसके अंदर डालेंगे 2 मोटी इलायची, हरी इलायची 4, थोड़ी सी काली मिर्च साबुत और लौंग के कुछ दाने, साथ में हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, मैं डाल रहा हूँ 3 से 4 टेबलस्पून। आपको जितना तीखा पसंद हो उतना डालिए, बट मिनिमम 2 टेबलस्पून डालिए। थोड़ी देर उसको सॉटे करेंगे, और इससे पहले कि मिर्च जल जाए हम इसके अंदर डालेंगे अपना अनियन और गार्लिक पेस्ट, इसको भी हम सॉटे करेंगे, और साथ में हम इसके अंदर डालेंगे नमक लगभग 1 टेबलस्पून। नमक आपने एक ही बार डालना है तो उतना डालिए जितना आपको ज़रूरत लगती है, बाद में अगर आपको कम लगे तो ऐड कर लीजिए। जब आपको 10 मिनट सॉटे करते हो जाएं तो आपका जो अनियन गार्लिक पेस्ट है और बाकी मसाले हैं वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, और इस टाइम पे जलना शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए हमने जो दही का मिक्सचर बनाया था वो हम इस टाइम इसके अंदर डाल देंगे। एक बार जब डल जाए तो हम इसको भी कुक करेंगे, जब तक कि अच्छी तरह से ये गर्म नहीं हो जाता, इसके अंदर उबाल नहीं आ जाता। बट गर्म करते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि हमने इसको लगातार मिक्स करना है, और बहुत हाई हीट पर इसको गर्म नहीं करना है क्योंकि हाई हीट पे दही जो है वो फट जाएगा। तो मैं, आप जैसे देख सकते हैं, एक विक्स की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। 10-15 मिनट पकाने के बाद इस तरह से ये तेल छोड़ चुका था, तो इस टाइम मैंने पनीर के पीसीज जो थे वो अपनी ग्रेवी के अंदर डाल दिए। सबको अच्छी तरह से ग्रेवी के अंदर इमर्स कर दीजिए ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छी तरह इनके अंदर अब्जॉर्ब हो पाए। एक बार मिक्स करने के बाद इनको आप कवर कर दीजिए एक लिड के साथ, और 4-5 मिनट और पकाइए ताकि पनीर जो है वो सारे फ्लेवर्स को अब्जॉर्ब कर पाए अपने अंदर। जब ये हो जाए तो आपकी डिश रेडी है सर्व करने के लिए। लाल पनीर एक बहुत ही फेमस कश्मीरी डिश है, और नॉर्दर्न इंडिया में ये काफ़ी शौक से खाई जाती है। जो रेसिपी मैंने आपको बताई है, बट ये 100% ट्रेडिशनल रेसिपी नहीं है, बट ये काफ़ी सिमिलर है ओरिजिनल रेसिपी के। लाल पनीर जो है, इसका जो लाल रंग है वो लाल मिर्च पाउडर से आता है, जो कश्मीरी चिल्ली पाउडर हम यूज़ करते हैं, और वो निकालने के लिए हमें कश्मीरी चिल्ली पाउडर को तेल में डुबाना पड़ता है, और उसको उसमें हल्का सा कुक करना पड़ता है ताकि वो अपनी रंग छोड़ दे। लाल मिर्च जो है अपनी डाली जिसमें कि आपको स्पाइस अपनी मर्ज़ी का मिल जाए। बाकी जो हमने खड़े मसाले डाले हैं उनका पर्पज़ भी यही है कि डिश को और कम्प्लेक्सिटी दें और डेप्थ ऑफ फ्लेवर दें। डिश के अंदर लौंग का, मोटी इलायची या काली इलायची का, हरी इलायची का, और साथ ही साथ सौंफ पाउडर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये एक टिपिकल कश्मीरी जो फ्लेवर प्रोफाइल है उसको रिजेंबल बहुत अच्छी तरह से करती है। आमतौर पे इस डिश को जो है हम खाते हैं चावलों के साथ, जैसे मैंने सर्व किया है, और ग्रेवी जो है हम क्वांटिटी जो है थोड़ी हल्की वाली साइड रखते हैं क्योंकि कश्मीर में फ्लेवर जो ग्रेवी के अंदर होता है वो काफ़ी इंटेंस होता है, तो उसको चावलों से आप डाइल्यूट करते हैं ताकि मसाले ज़्यादा ओवरपावरिंग ना लगे। दही जो हमने डाला था वो इसीलिए डाला था कि मसालों की जो गर्मी है, जो गर्माहट आपको मिलती है मसाले ज़्यादा खाने से, वो बैलेंस हो सके। जो पनीर के पीसों को हमने डीप फ्राई किया था उसकी वजह से डिश में अच्छा टेक्सचर आ रहा है। पनीर के पीसेस जो हैं वो बाहर से थोड़े क्रस्टी हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट हैं, अच्छी तरह ग्रेवी को अब्सॉर्ब किया है। आई होप आपको ये डिश अच्छी लगी हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी बना के दिखाऊंगा। हमेशा की तरह इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली को बताइए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।